सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप बिना वेट्स या रेप्स को बढ़ाए अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक, ईसेंट्रिक एंड आइसोमेट्रिक होल्ड के बारे में। एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हुए हम इन तीन मूवमेंट्स को फॉलो करते हैं। सो इन तीन मूवमेंट्स को हम बाइसेप कर्ल्स के थ्रू समझते हैं। कॉन्सेंट्रिक मोशन में आप वेट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हुए अपनी मसल को शॉर्टन करते हैं। आइसोमेट्रिक होल्ड में आप वेट को टॉप पोजीशन पे लाके ग्राउंड के पैरेलल होल्ड करते हैं, और ईसेंट्रिक मोशन में आप वेट को नीचे ले जाते हुए मसल्स को वापस लेंथन करते हैं। सो आज जिस टेक्निक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है TUT, डेट इज़ टाइम अंडर टेंशन। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए अपनी मसल्स को टेंशन में होल्ड करने को हम टाइम अंडर टेंशन कहते हैं। टाइम अंडर टेंशन के थ्रू हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस में अपनी मसल स्ट्रेंथ एंड अपनी मसल एंड्योरेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बाइसेप कर्ल परफॉर्म करते हुए आप टोटल 333 सेकंड्स के लिए कॉन्सेंट्रिक, ईसेंट्रिक एंड आइसोमेट्रिक होल्ड को परफॉर्म करें। इस तरह की ट्रेनिंग को हम टेम्पो ट्रेनिंग भी कहते हैं। इस टेम्पो ट्रेनिंग को हम बाकी एक्सरसाइज में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और जिन लोगों के पास घर पर लिमिटेड वेट्स है वो इस तरह की ट्रेनिंग को परफॉर्म करके अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरह की ट्रेनिंग से आपका माइंड मसल कनेक्शन भी बेहतर होता है। एक्सरसाइज करते हुए हैवी वेट्स को लिफ्ट करना बेशक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए अपने वेट को कंट्रोल्ड वे में और सही फॉर्म के साथ उठाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो टेम्पो ट्रेनिंग के थ्रू आप बिना वेट्स एंड रेप्स को बढ़ाए अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। Thank you for watching.